जी सर, वाकिफ हूँ। शुक्रिया सर, बिल्कुल शुक्रिया सभापति महोदय। एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे, वो कह रहे थे कि एक सेठ थे राजस्थान में, अचानक सांप सांप चिल्लाने लगे। तो लोग आए, बोले क्या हुआ? बोला देखो सांप अभी पेट पर से चल के चला गया। बोले काटा तो नहीं ना? बोला नहीं काटा नहीं, रास्ता देख गया है। So, when I rise professor, this is my court. Everyone in the house knows. Not of your use. अच्छा, sir, sir. ये तो मैंने कहा है. Sir, can I? Sir, I would want all of you to give me uninterrupted time. I'll not speak anything which is going to prick you or disturb your rhythm. What I wanted to say, sir, असल में कई वर्ष पूर्व भी देखा इस देश में, आज भी देख रहे हैं। जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना, तो कई ख्यालात आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। मैं और मेरी कलीग, सीनियर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहे थे, इतने पावर का करोगे क्या? कम है क्या? इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है, उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो, जहां की सुप्रीम को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ, मेरे कई कलीग कह चुके हैं, संभवतः हमारे हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पूर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में। तो उन्होंने 19 मई को ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए। तब जजों का काम था कि इस पर लगातार सोचते रहे। सर, इससे पहले कि मोटा मोटी कुछ बिंदु पे मैं आऊं, मेरे कुछ साथी, वो जिन्होंने लोकसभा में वोट किया है, मोस्ट लाइकली दे विल डू द सेम हियर। हालांकि लोकसभा के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता था माननीय सभापति महोदय, डाइवर्सिटी शब्द का आप बहुत जिक्र करते हैं, हम सब उसमें रिजॉइस करते हैं, हमारी प्राइड है वो। लेकिन एक मंत्री महोदया डाइवर्सिटी बोलते बोलते बोल गई कि इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड। सर, बचपन से लेके आज तक इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा कभी, ये रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, इसलिए मेरी चिंता है। इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, बड़ा सहज स्वभाव है इंडिया का, महासागर वाला है सर, सब कुछ समा जाता है, मजहब हो, धर्म हो, जाति हो, कौम हो, कोई हो। लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता। सर, फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, इक्वी डिस्टेंस। सर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी। जब चूहे की पूंछ पे हाथी का पांव पड़ा हो तो न्यूट्रलिटी, उस चूहे से पूछिए उसको कैसा लग रहा है। तो मैं समझता हूं, इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है, आज बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर। ये पड़ोस के मुल्क से आया है, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास, इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेशे नजर है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, सर एट अ हिस्टोरिकल जंक्चर, एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस दिन, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या? फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया, उन्होंने कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, जिसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन में यह नहीं होता है कि सेमी कोलन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया। उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है इस देश में कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मैसेस। सॉरी सर, द एंटायर कोट इज रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रीचर, द हार्ट ऑफ ए हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन, इट इज द ओपियम ऑफ पीपल। सर, अब इसमें क्या किया हमने, सिर्फ ओपियम वाला लाइन निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धर्म विरोधी था। सर, मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल,
जवाहरलाल जी की अस्थियों को मजा आया होगा, जहां तक मुझको लगता है, शांतिवन में। सर ये मूलतः मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं, सर वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, ना सदन में ना सदन के बाहर। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, साहब हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारत वर्ष है जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं, हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है, सर आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं पक्का उसी में खत्म कर दूंगा। सर प्रतिगामी मैंने क्यों कहा, दुनिया देख रही कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं। सर ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, सर कुछ सोच के दिया होगा ना। आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे, अरे नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं, हकीकत नहीं बदलती क्या? नेहरू के टाइम में हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना ध्यान देते थे, और आज हम बेचने पर ध्यान दे रहे हैं, ये फर्क आया है ना सर? चूंकि ये फर्क आया है तो हर हकीकत में फर्क होता है। 56 का की दिल्ली और आज की दिल्ली वही नहीं है सर। सर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। सर हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना, हम तो कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। सर सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के मेरे कई कलीग कह चुके हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये तीन चीज कहूंगा सर। अगर ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर को उत्तरदायी नहीं है, सर ये अराजकता को जन्म नहीं देगी क्या? मैं दिल्ली की जनता, अगर मैं दिल्ली सरकार हूं, मैं दिल्ली की जनता के लिए उत्तरदायी हूं। जैसे राघव कह रहे थे, अगर कोई विसंगति कहीं आती है, एलजी साहब के पास जाऊं सर, वो चुनाव जीते। हालांकि मैं जानता हूं इस देश में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका में विस्तार हो गया, अब तो वो राज्यों के नाम बदल दे रहे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट इंगित कर रही है कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था सर, और मैं समझता हूं कि ये बात मैं कह करके, और 239AA के बारे में जो बातें कही गई हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक चीज पे आऊंगा। कोरम, सर ये कमाल का कोरम हुआ, 3 में से 2 होंगे, मुख्यमंत्री बेचारा चेयरमैन है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, चेयरमैन विदाउट चेयर, मुख्यमंत्री चेयरमैन है, वो अगर 2 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए। सर इट इज नॉट कोरम, इट इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट टू डेसिमेट द वेरी आइडिया ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। सर इलेक्ट सर घंटी नोट हो जाइए, केशव राव जी की श्रेणी में 1.5-2 मिनट और ले लूंगा। सर एक सोल डिस्क्रिशन का मामला आया है, सोल डिस्क्रिशन, और ये मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, हमारी महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी जो संदर्भ आते हैं ना, टू एड एन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द मिनिस्ट्री, सर उनका भी सोल डिस्क्रिशन नहीं होता है। ये तो एक तरह से मुझे सोललेस डिस्क्रिशन दिख रहा है, आत्मा विहीन डिस्क्रिशन सर, ये उसमें नहीं फिट बैठता है। सर एक और चीज, मैं अभी कल गूगल कर रहा था सर फेडरलिज्म पर, 2 बहुत महत्वपूर्ण कोट मिले इंटरेस्टिंग लोगों की, एक चंद्रबाबू नायडू जी का, एक नवीन पटनायक जी का, वो कोट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बस मैं बता देना चाहता हूं आखिरी सर, ये पेशे नजर तमाम लोगों के जो कहते हैं, अपील करते हैं कि साहब मदद करो इस बिल पे, तो दुष्यंत जी कह के गए थे कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। सर ये चाकू पसलियों से कह रही है हमारी मदद करो, सर ये आसान मामला नहीं है। जय हिंद सर, जय हिंद।
मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार मामलों के प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी हैं, बगल में औरंगाबाद के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार सिंह जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बुद्धिजीवियों का, राजनेताओं का, देश के तमाम वर्ग का अपार समर्थन मिल रहा है। उसी क्रम में जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित रखा है, पिछड़ों के नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग जो बिहार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वाले पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके 3 सत्रों तक लगातार सदस्य रहने वाले जनता दल यू के पिछड़ा वर्ग के भी नेता, जिन्होंने लगभग बिहार की राजनीति में 3 दशक तक अपनी पहचान कायम रखी है, विधानसभा का चुनाव लड़ा है, ऐसे प्रमोद चंद्रवंशी जी हम सबके बीच हैं। मेरा सादर अनुरोध होगा माननीय विनोद तावरे जी से और सुशील सिंह जी से कि प्रमोद चंद्रवंशी जी को पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण कराएं। अब आप बीच में आ जाइए, खड़े हो जाइए, बुके दीजिए सुशील जी। धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन होगा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। सुशील जी यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सहप्रवक्ता संजय जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, ऐसे प्रमोद जी और पत्रकार भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक अपनी विशेष रणनीति लेकर अपना धीरे धीरे मार्गक्रमण कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार जी बिहार में जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, वही मुद्दे उनके हाथ से खिसक रहे हैं। आज राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट आने से ये जो घमंडिया अलायंस है, उसमें कई खुशी कई गम है। हमारे नीतीश चाचा को लग रहा था कि मेरे नेतृत्व में ये अलायंस चलेगा, तो वहां तेजस्वी जी ने ही कहा कि राहुल जी अभी इसका नेतृत्व करें, तो एक असमंजस सी स्थिति नीतीश बाबू की निर्माण हुई है। और उसी समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़ता समर्थन प्रमोद जी जैसे कई नेता, भाजपा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रमोद जी के आने से पार्टी को एक अलग मजबूती पूरे बिहार में मिलेगी
और हम उनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जलाओ पार्टी बीजेपी आज हरियाणा को मणिपुर की तरफ से जला देना चाहती है। कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पे दोषारोपण करती है, परंतु जब इनको एजेंसीज का इनपुट था और एजेंसीज ने एडवांस में सप्ताह पहले लिख के भेज दिया कि यहां पे दंगे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ने क्यों फाइल छिपा के रखी? क्यों गृहमंत्री को नहीं देती? विद साहब कहते कि मेरे पास फाइल आई नहीं, कोई मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बाहर के व्यक्ति ने एक खबर दी है। सोना का SHO कहता है हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब मनोहर लाल जी जान बुझ के हरियाणा को जलवाना चाहते थे। सोना के कैस्टबिस लीडर जावेद, जो पहले BSP से चुनाव लड़े, 40,000 वोट ली, फिर आजाद चुनाव लड़े, 50,000 वोट ली, वो जावेद के ऊपर FIR दर्ज कर दी कि एक व्यक्ति ने देखा 10 बजे वो लोगों को कह रहा था वहां पे कि दंगा करो और मारो। जावेद से मैंने व्यक्तिगत तरीके से बात करी। जावेद ने मुझे बताया कि 6:30 बजे अपने गांव खानपुर के लिए रवाना, वो सोना से 31 तारीख के शाम को, जो करीब 10 किलोमीटर है, और खानपुर से 7 बजे पुनाना के लिए चले, जो वहां से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उसके रिश्तेदार का घर है, रेवासन टोल पे 8:06 पे पहुंचते हैं। ये सारा बॉम्बे हाईवे का CCTV उसको देखा जा सकता है। उसकी कॉपियां उन्होंने मुझे भेजी है कि किस तरीके से वो उन हाईवे से होते हुए गुजरे। रात को करीब 9:15 पे वो अपने रिश्तेदार के घर पे पहुंचे। उसकी CCTV फुटेज भी उन्होंने मुझे भेजी है कि उनके घर की जो CCTV फुटेज है, वो रात को 9:15 पे पहुंचे। वो अपनी कार नंबर HR26FA292398 से गए और पूरे रास्ते वो गाड़ी हर टोल पे रिकॉर्ड होते हुए गई है। और रात को 9:30 काली टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, सफेद पैंट पहनी थी, अपने रिश्तेदार के घर पे उतरे, वो भी CCTV में दर्ज है। सुबह 4:30 बजे वहां से उसी गाड़ी में वापस हुए, वो भी CCTV में है। और सारे टोल्स के ऊपर आता गया है कि सारे टोल में किस तरीके से वो CCTV में हर सड़क के ऊपर, बॉम्बे हाईवे के ऊपर उनका ये सारा दर्ज है। जब वो जा रहे थे तो रात को 10 बजे तहसीलदार ने SDM साहब से फोन पे उनकी बात भी कराई और उस समय दोनों समुदाय के लोगों से शांति के लिए अपील करने के बाद सोना के SDM ने उनके फोन पे की। जब वो अगर उस समय मर्डर के लिए बरका रहे थे तो SDM से बात कैसे हो रही थी? और लगातार 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सोना के अंदर आए हुए ड्यूटी पे दोनों तीनों ACP से उनके लगातार बात हुई, SDM से उनकी बात हुई। और 1 अगस्त को एक पीस कमेटी का गठन किया गया जिसमें उनको बुलाया गया। उस पीस कमेटी के लिए वो सवेरे उठ के वहां से निकले। 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सोना के दोनों तरफ के MLA और SDM और सभी अधिकारी और दोनों समुदाय के लोगों ने बैठ के SDM ऑफिस के अंदर मीटिंग की कि सोना में किस तरीके से पीस लाई जा सकती है। और जिस दिन FIR हुई उसी दिन इस पीस कमेटी की मीटिंग DC गुड़गावा के ऑफिस में गुड़गावा में हुई, जहां पे भी जावेद मौजूद थे। जावेद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सोना से उनको रास्ते से हटाने के लिए ये षड्यंत्र उनके खिलाफ लड़ रही है, अन्यथा सारे हाईवे के CCTV फुटेज देखे जा सकते हैं, उनकी टेलीफोन की CDR निकाल के देखी जा सकती है। उनके टेलीफोन पे लगातार जो घटना का समय बता रहे हैं उस समय वहां के ACP से, वहां के ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस से, वहां के SDM से सोना के पीस के विषय में उनसे बात होती रही है। ये टेलीफोन के रिकॉर्ड निकाल के देखा जा सकता है। वो उस समय जब बात कर रहे थे कौन से पोल पे थे, ये उस टेलीफोन से देखा जा सकता है हाईवे की। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस देश को जला देना चाहती है धर्म और जाति के नाम पे। मणिपुर इन्होंने जला दिया, अब हरियाणा को जलाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता इस साजिश को समझती है। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। दंगाई किसी भी जाति का हो,
किसी भी धर्म का हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, परंतु निर्दोष लोगों के ऊपर आप अपना दोष मढ़ोगे, लोगों का जलवाओगे, मरवाओगे, फिर दूसरी पार्टी वालों के ऊपर दोष मढ़ोगे, तो ये हरियाणा की जनता अब आपकी चाल को समझ चुके हैं। हरियाणा की जनता इस चाल को अंदर हम नहीं फंसने वाले। तो हरियाणा के लोगों किस तरह अपील करेंगे? हरियाणा के लोगों से मैं अपील करूंगा, देवास से, गुड़गावा से पलायन शुरू हो चुका है, पलायन ना करें, शांति से रहें, कानून के अंदर विश्वास रखें, और सरकार से मैं अपील करूंगा कानून व्यवस्था को मेंटेन रखें, अन्यथा आने वाली पुश्तें भी आपको माफ नहीं करेंगे। सरकार द्वारा जो बुलडोजर भी चलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी है दबंगे जो लोग थे उनके ऊपर? देखिए ये कह रहे हैं, परंतु सरकार का अधिकृत बयान ये है कि हम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे चला रहे हैं, इट इज ए रूटीन प्रोसीजर, परंतु क्या दिखाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं दोनों बातों में फर्क है। धन्यवाद। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव दो सचिवों के नीचे आए।